नमस्कार। जब लाइफ में अचानक संकट आ जाए, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, हंसी खुशी आनंद में, पैसे से, परिवार से, सामाजिक से, हर चीज से आपकी लाइफ अच्छी चलती रहती है, और सडन कुछ ऐसा होता है आपके साथ में कि आपकी परिस्थिति विपरीत हो जाती है। आप टॉप से शून्य पर आ जाते हो। आपकी जो वर्तमान की स्थिति है बिल्कुल खराब हो जाती है। तो उस समय उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? बहुत से लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या हताश हार मान लेते हैं और अपने आप को हार मानकर बैठ जाते हैं। जब लाइफ में अभी जैसे रिसेंटली 2020-21 में कोरोना आया, लोगों की लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी, बहुत से लोग बिजनेस में अच्छे चल रहे थे, सब कुछ सडन अचानक आया, नेचुरली डिजास्टर आया, बहुत से लोगों का बिजनेस टॉप पर था, शून्य पर आ गया। कोरोना काल में बहुत से जनों ने सुसाइड कर लिया, बहुत से जनों का बिजनेस चौपट हो गया। तो जब लाइफ में अचानक संकट आए, सडन आपके परिवार में या आपके ऊपर कोई विपत्ति आए, तो क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में एक छोटी सी एक आपको एग्जांपल देता हूं, रामायण का। भगवान श्री राम का उनके लाइफ में भी सडन अचानक एक रात में वन नाइट संकट आया, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य हिम्मत साहस से काम लिया। आपको पता होगा, रामायण देखी होगी आपने, जब भगवान श्री राम का राज तिलक होने जा रहा होता है, पूरे अयोध्या नगरी में खुशियों की बौछार होती है, चारों तरफ हर्षोल्लास, चारों तरफ अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा रहे हैं, उनके पूरे परिवार में, समाज में, हर जगह राजा महाराजों में खुशी का माहौल होता है कि कल सुबह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा और भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एक रात में, नाइट में, केकई अपने दो वरदान अपने राजा दशरथ से मांगती है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना, और एक रात में सब कुछ चेंज हो जाता है। और जब यह बात भगवान श्री राम को पता चलती है, भगवान श्री राम पहले तो जानते थे कि सुबह मेरा राज्य अभिषेक होने वाला है, और रात को उनको पता चलता है कि सुबह मुझे वनवास जाना है 14 वर्ष के लिए, तो कैसा होता? तो भगवान श्री राम उस वक्त क्या करते हैं? धैर्य से काम लेते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं, साहस से काम लेते हैं, वो जरा सा भी विचलित नहीं होते, उनके चेहरे पर जरा भी संकट के बादल नहीं आते हैं, और वो माता केकई और अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि सुबह जल्दी ही वो वनवास के लिए निकल जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री राम एक आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पति के लिए पहचाने जाते हैं। इसलिए भगवान श्री राम की हर जगह पूजा होती है। अगर भगवान श्री राम की जगह उस जगह कोई दूसरा और होता तो क्या होता? युद्ध हो जाता, भाइयों में, पिता पुत्र में युद्ध हो जाता, माता पुत्र में युद्ध हो जाता कि नहीं, सुबह मेरा अभिषेक होने वाला और मेरे भाई को राजा कैसे बना रहे। चारों तरफ हाहाकार हो जाता, चारों तरफ युद्ध का माहौल हो जाता, रिश्ते तार तार हो जाते, भाई भाई का रिश्ता तार तार हो जाता, माता पुत्र में लड़ाई हो जाती, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाती। आज के माहौल में अगर ऐसा हो तो बिल्कुल ऐसा ही हो। अगर आज के माहौल में यह हो कि कल बड़े पुत्र को बिजनेस की बागडोर दी जाएगी और जब सुबह पुत्र को पता चले कि नहीं, मेरी जगह मेरे छोटे भाई को बिजनेस की बागडोर दी जा रही है, तो मुझे बाहर निकाला जा रहा, तो उस क्या आज के समय में ऐसा संभव है? नहीं। तो इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है? यही मिलती है कि लाइफ में कोई भी संकट आ जाए, अचानक संकट आ जाए, सब कुछ अच्छा चल रहा हो और आपकी परिस्थिति विपरीत आ जाए, तो उस वक्त घबराना मत। तो लाइफ में जब भी आपकी अच्छी चल रही हो और अचानक संकट आ जाए, अचानक आपके ऊपर दुखों का पहाड़ पड़ जाए, तो घबराना मत, धैर्य से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, साहस से काम लेना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना,
कि समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, कभी भी लाइफ में संकट आ सकता है, यह बात ध्यान रखना। कभी भी लाइफ में अप डाउन आ सकते हैं, कभी भी लाइफ एक जैसी नहीं चल सकती है, कभी दुख कभी सुख आएंगे। तो जब आपके जीवन में भी अचानक दुख आ जाए तो घबराना मत, धैर्य हिम्मत और साहस से काम लेना, दुख के दिन गुजर जाएंगे।